नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 जो दूसरा बुक है उसका लेके आया हूँ। आज हम सभी जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर 3 है ये क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर 3 नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नियोजित विकास की राजनीति, कैसे हम अपने विकास के मॉडल को नियोजित करते हैं, प्लान करते हैं। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग बनाना। तो किस तरह से आप प्लानिंग बना के अपने विकास को आगे बढ़ाते हो, इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट को, जो हमारा है नियोजन क्या है। मतलब पहला टॉपिक ही जो है वो चैप्टर के कीवर्ड से रिलेटेड है कि नियोजन क्या है। तो आइए हम समझते हैं नियोजन के बारे में। नियोजन का मतलब क्या होता है? तो नियोजन का मतलब है अपने पास, जो हमारे पास है उपलब्ध संसाधन, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें होती है इंसानों के पास जिसे वो सही तरीके से यूज करता है, यूटिलाइज करना ही ये नियोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो नियोजन का मतलब है अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सबसे अच्छे प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। अपने पास जितने भी संसाधन है ना, उन संसाधनों को फ्यूचर में कैसे उपयोग करेंगे, इस चीज की प्लानिंग बनाना ही नियोजन कहलाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे पास इस बार खेती से 500 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ है। हमने 500 किलो गेहूं उगाया है अपने खेत से। अब क्या करेंगे कि हम आगे के पूरे साल, जब तक कि हम खेती नहीं करते हैं गेहूं का, तब तक उस 500 किलो गेहूं के उत्पादन का एक प्लान बनाएंगे कितना हमारे घर में खर्चा है। मान लो कि 100 किलो हमारे घर में खर्चा है, बाकी 100 किलो हम बीज के लिए भी रखेंगे। अगले साल जो हम गेहूं बोएंगे उसके लिए बीज के लिए भी तो रखना है, तो 200 किलो तो खत्म हो गया। कहां 100 किलो अपने खाने में और 100 किलो अगले साल के बीज के बुआई के लिए। अब बच गया इधर 300 किलो, उसमें से 100 किलो बेच के पैसा रख लेंगे, क्योंकि आगे जाके खेती करेंगे तो पानी, दवाई, खाद ये सब चीजें का भी उपयोग होगा। तो 300 किलो हो गया इधर खत्म। अब 200 किलो बेच के अपने हाथ में पैसा रखेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? प्लानिंग है। जो 500 किलो गेहूं हमने उगाया है उसके लिए हमने प्लानिंग बनाया है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका आप इसे कह सकते हैं, नियोजन का मतलब है अपने पास उपलब्ध संसाधन का सही तरीके से प्रयोग करके भविष्य की योजना बनाना कि हम भविष्य में उसे कैसे खर्च करेंगे। नियोजन के माध्यम से क्या क्या होता है? अगर आप प्लानिंग करते हो, अगर आप प्लान बनाते हो अपने भविष्य के लिए, कोई प्री प्लान आप चार्ट बना के रखे हो, तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा? अगर देश के हिसाब से बात करें, अगर देश ऐसी अगर कोई प्लानिंग बनाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन, प्रोडक्शन, अगर किसी चीज का उत्पाद हो रहा है तो उसमें हमें वृद्धि नजर आएगी। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि आएगी। जो नौकरियां हैं, जो काम है, उसमें भी वृद्धि आएगी अगर हम सही तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग करके प्लानिंग बनाते हैं। तो किस किस चीज में वृद्धि होगी? उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता आएगी। हमारा जो आर्थिक स्थिति है ना, देश का या घर का, अब जिस एग्जाम्पल में समझना चाहे वहां पर समझ सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल जो 500 किलो गेहूं वाली बातें कही थी वो अपने घर के हिसाब से बोली थी। तो ऐसे में क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देश में अगर हमारी सरकारें इस तरह का कार्य करती है, अगर देश में इस तरह का कार्य होता है, तो ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर करेगी। कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा परेशानी आ जाता है देश में, भी हलचल देखने को मिलेगा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, महंगाई बढ़ जाएगा, महंगाई घट जाएगा। तो ऐसे में ये हमारे देश को स्थिरता लाएगी। क्या लाएगा स्थिरता? नियोजन, अगर आप प्लानिंग करते हैं तो। और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने प्लान कर लिया, आज सपोज कर लीजिए कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, तो हमारा भी कुछ लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि इस साल खत्म होते होते तक हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, तो ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम क्या करते हैं, प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई अच्छा वीडियो लेके आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इससे क्या है, ये हमारा एक लक्ष्य है कि हमें इस साल के लास्ट तक 5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर प्लानिंग करते हैं तो
तो लक्ष्य भी हमारा प्राप्त होता है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है, नौकरियां भी मिलती है, बेरोजगारी कम होती है और हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम में स्थिरता भी आती है। यही है नियोजन। एक बार फिर से समझिए, नियोजन का अगर मतलब आपसे पूछा जाए तो आप वहां पर बताएंगे कि नियोजन एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे पास मौजूद संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करके प्लानिंग बनाया जाता है फ्यूचर के लिए। प्लानिंग के हमारे पास कुछ है संसाधन तो उसे हम आगे किस तरह से उपयोग करेंगे और फायदे क्या क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से आपने नियोजन के बारे में जाना। नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं भारत के विकास का अर्थ। नियोजन वगैरह हो गया, प्लानिंग हो गया, संसाधन का हो गया, अब हमारे अगर भारत के अंदर विकास की बात आएगी, भारत के विकास का अर्थ पूछा जाएगा कि भारत के विकास का अर्थ समझाइए, तो आप क्या बताएं? यहां बहुत गौर से समझना है, बहुत सही तरीके से समझना है। आजादी के बाद क्या हुआ, जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, उसके बाद इस बात पर सभी लोग सहमत थे, जितने भी दल थे, जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों का समर्थन था हमारे भारत में, जितने भी सुप्रीमो थे उस समय देश के नेता में, उन सभी का समर्थन था किस बात पर कि भारत के विकास का अर्थ क्या होना चाहिए। उन्हें समझिए कि इन लोगों का क्या समर्थन था, ये क्या चाहते थे कि भारत का जो विकास का अर्थ है वो आर्थिक वृद्धि, हमारा जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार के साथ साथ सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आर्थिक वृद्धि करो, समाज को भी न्याय दिलाओ, ये नहीं कि सामाजिक दुनिया बन रही है, अमीर गरीबी का खाई बढ़ता जा रहा है, ऊंचे नीचे जातियों के बीच लोग उलझे हुए हैं, इसी को तो हम सामाजिक न्याय कहते हैं। यहाँ पे हमें समानता चाहिए, आर्थिक स्थिति भी मजबूत कीजिए और समानता का भी दौर लाइए। तो ये है हमारे आजादी के बाद सभी लोगों का मानना, सभी लोग इसका समर्थन करते थे कि आप जो है आर्थिक स्थिति को ही मजबूत कीजिए और सामाजिक न्याय दोनों लाइए। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति एवं किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भारत देश है हमारा, इसको हम पूंजीवाद तो नहीं बनाएंगे ना, दक्षिण देशों की तरह, अमेरिका की तरह। लोगों का कहना था कि आप हमारे भारत के विकास के लिए हमें व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों पर मत छोड़िए, सरकार की भी भूमिका निभाइए। आखिर मैंने आपको सरकार चुना है तो आप क्या कर रहे हैं? जब उद्योगपति ही, व्यवसायी ही और किसान ही हमारे देश को चला लेंगे तो आपका काम ही नहीं है कुछ, फिर आप कर क्या रहे हैं? तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए। कौन? राजनीति के राजनेता जिम्मेदारी लेंगे, सरकार को इसमें प्रमुख भूमिका निभानी होगी। जी हाँ, सरकार जिसका निर्माण हमने किया है, जिनको हमने चुना है, वो भी तो कुछ भूमिकाएं निभाएंगे ना। वो भूमिका क्या है? तो वो भूमिका है कि आजादी के वक्त केवल विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ ना, तो उस समय लोगों के मन में ये बातें थी कि जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब देश है ना, वो बहुत विकास कर रहे हैं, हमने उनको अपना आइडियल मान लिया, आदर्श मान लिया कि हम उन्हीं की तरह विकास करेंगे। किन की तरह? पश्चिम के देशों की तरह। ध्यान से समझिएगा कि आजादी के समय क्या हुआ कि विकास का पैमाना मतलब आदर्श, भगवान, विकास का भगवान किसको मान लिया गया? पश्चिम के देशों को मान लिया गया। और पश्चिम के देशों को आधुनिक होना, आधुनिक तो थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पश्चिम के जो देश थे वो आधुनिक थे। तो उन लोगों की तरह हम भी अपने देश को मतलब आधुनिक करना चाहते थे पश्चिम के देशों की तरह। ये था हमारे विकास का अर्थ, समझिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजादी के बाद जितने भी दल के लोग थे, जितने भी समूह थे, जितने भी राजनेता थे, जितने भी लीडर सुप्रीमो थे, उन लोगों का मानना था कि आर्थिक विकास भी होना चाहिए और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। ये नहीं कि आर्थिक विकास हो रहा है और सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, दबे कुचले वर्ग के लोगों को तुम और दबा दो, खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बातों पर चलिए। ये नहीं कि जो गरीब है उन्हें लात मार के साइड कर दो, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि देश में जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, किसान हैं, इनके भरोसे पूरे देश को छोड़ दो कि यही चलाएंगे। नहीं, सरकार हो, सरकार की जिम्मेदारी निभाओ। और विकास का अर्थ है पश्चिमी देशों की तरह बनना, उनका देश आधुनिक है, उनके पास मशीनरी है, हथियार है, पैसा है, पिज्जा बर्गर मोमो है, तो इन सभी चीजों को भी हमारे भारत में लाओ, तभी तो हम आधुनिक होंगे। क्योंकि हमारे देश ने तो ये मान लिया था कि पश्चिमी देश ही आधुनिक है और हमने उसको आदर्श मान लिया।
आदर्श मानने के बाद क्या हुआ, हम पश्चिमी देशों की तरह खुद को आधुनिकरण करना चाहते थे और यही भारत के विकास का अर्थ है। देखिए ये पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। वामपंथी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, एक नंबर में, दो नंबर में पूछा जाता है। तो वामपंथी को आपको समझना है, वामपंथी एक सोच है। क्या है? सोच है, इस ये एक विचार है। ऐसे लोग, ऐसे विचार के लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं, दबे कुचले लोगों के जीवन के स्तर को बढ़ाने की बात करते हैं, गरीब लोगों को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, गरीबों को दो वक्त खाना देने की बात करते हैं, गरीबों को आवास देने की बात करते हैं, ऐसे विचार के लोगों को हम वामपंथी कहते हैं। फिर से समझिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि वामपंथी किसे कहते हैं तो वहां पे आपको बताना है ऐसे लोग जो गरीब के भले की बात करते हैं, जो गरीब के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं, वामपंथी कहलाते हैं। वामपंथी लोग क्या करते हैं, सरकार से बात करते हैं, देखो भाई इस इलाके में बहुत सारे गरीब लोग हैं, इनको भोजन पानी खाना रहना कपड़ा पढ़ाई दवाई सब दो, सरकार का काम है ना कि सरकार करेगी नहीं ये सब, दवाई कौन देगा, भोजन कौन देगा, घर कौन देगा, अगर वो सक्षम नहीं है तो सरकार देगी ना, देती है ना सरकार, गरीबों को घर देती है ना, राशन देती है ना, पढ़ाई देती है ना, दवाई देती है ना। तो वामपंथी इन्हीं नीतियों का समर्थन करते थे, यही है वो वामपंथी लोग जिनका सोच गरीबों के उत्थान के लिए था, दबे कुचले वर्ग के लिए नीतियां बनाने का, कानून बनाने का समर्थन करते थे, तो ये थे वामपंथी। आई होप कि आपको वामपंथी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वामपंथी यहां में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस में भी है और आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो वहां पे वामपंथी दक्षिण पंथी ये सब पढ़ना है आपको, इसलिए हम क्यों ना अभी से ध्यान देते हुए चले। तो वामपंथी आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दक्षिण पंथी भी आ ही गया, लो अभी मैंने बात किया था वामपंथी दक्षिण पंथी पढ़ना है, आ गया दक्षिण पंथी। अब दक्षिण पंथी क्या है, देखिए दक्षिण पंथी या है लिखा गया है, गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं हम इसके लिए। अब क्या है दक्षिण पंथी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। नाम ही है दक्षिण पंथी, कहां से आया, अमेरिका में, अमेरिका से आया, दक्षिण के साइड से आया, सीधा सीधा कहिए ना पूंजीवाद का समर्थन वाला ये पंथ है, ऐसी सोच जो पूंजीवाद का सपोर्ट करता हो, पहले ही कह रहा है खुली प्रतिस्पर्धा, मार्केट में खुल्लम खुल्ला चलने दो, बाजार शुल्क होगा, फिर से माफी चाहते हैं, अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि इनके सरकार में कहा जाता है कि आप प्राइवेट चीजों के ऊपर जोर दीजिए और हस्तक्षेप मत कीजिए, हाथ मत डालिए, उंगली मत डालिए, कहां, बाजार के कानून पे, व्यवसाय के कानून पे आप हस्तक्षेप मत कीजिए, प्राइवेट कीजिए, जितने भी प्रोडक्ट हमारे भारत देश में बन रहे हैं ना उन सबको निजी कंपनियां बनाएगी, प्राइवेट कंपनियां बनाएगी। तो ये जो था ये दक्षिण पंथी के लोगों का सोच था, इनमें इनका कहना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो जहां जरूरी ना हो वहां पे आप हाथ मत डालिए, चलने दीजिए। लेकिन एक बात भी तो देखिए, अगर सरकार कानून हमारा हस्तक्षेप नहीं करेगा तो ये तो अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे, जो मन होगा वो करेंगे, इसलिए हम तो इसके खिलाफ हैं, हम तो इन मॉडल को सपोर्ट नहीं करेंगे जहां पे सरकार का कुछ हस्तक्षेप ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं, बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो गरीब लोगों का खून तक चूस जाएंगे, ऐसे ही इतना हाथ डालने के बाद ये लोग गरीबों का हक मार जाते हैं, खून चूस जाते हैं, कोई सरकार नहीं देख रेख करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा तो बीमारी की तरह गरीबों का गला घोंट देंगे, हड्डी हड्डी चूस जाएंगे गरीबों का। तो ये दक्षिण पंथी था, ये खुली प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते थे और ये अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। बाजार शुल्क मतलब कहा जाता था कि आप टैक्स लीजिए, व्यवसाय से टैक्स वसूल कीजिए जिससे आपके अर्थव्यवस्था में मजबूती हो। तो ये दक्षिण पंथी का सोच था। तो यहाँ पे आपको वामपंथी और दक्षिण पंथी दोनों समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में हम जानते हैं कि भारतीय विकास के मॉडल, हमारा जो भारत है, हमारा जो देश भारत है, उसके विकास के लिए कौन कौन से मॉडल तैयार किए गए। मॉडल वो वाला मॉडल नहीं, चेयर गर्ल वाला मॉडल नहीं, तरीका, डिजाइन, कौन सा डिजाइन था,
जिससे हमारे भारत के विकास करने की बात हो रही थी। तो देखिए विकास के दो मॉडल थे हमारे भारत में, विकास के दो मॉडल थे, इन्हीं मॉडल पे हमें विकास करना था, आगे बढ़ना था। पहला था उदारवादी, पूंजीवादी। पूंजीवादी हमने पहले भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अभी हम आपको समझाएंगे, इंतजार कीजिए, घबराइए मत, सब्र कीजिए, रुको जरा। तथा दूसरा था समाजवादी मॉडल। पहला क्या है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा है समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी को मैं एक बार समझा देता हूं। पूंजीवादी अमेरिका में था, पूंजीवादी में क्या था कि ज्यादा से ज्यादा चीज प्राइवेट कर दो, उससे टैक्स वसूलो, निजी अर्थव्यवस्था रहने दो, प्राइवेट 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 रहने दो, ये था हमारा पूंजीवाद। दूसरा था समाजवाद, नहीं भाई जनता का अधिकार होगा, जनता की नजर होगी, सरकार का हस्तक्षेप होगा, सरकारी फैक्ट्रियां होगी, प्राइवेट नहीं चल गए नहीं चलेगा, सारा फैक्ट्रियां सरकारी होगा। तो दो विचार के लोग थे हमारे देश में। अब यहाँ पे दो मॉडल जो आया है भारत के विकास का, ये लोगों के द्वारा, हमारे जनता के द्वारा आया, हमारे देश के उस समय मौजूद पार्टियों के द्वारा आया। कैसे? देखिए दो विचार के लोग थे, एक तो थे हमारे देश में उस समय जो कहते थे कि नहीं पूंजीवादी सही है, पूंजीवाद को हमारे देश में लाओ। दूसरे थे कहते भाग पूंजीवादी बढ़िया नहीं है, ये तो समाजवादी मॉडल ना बढ़िया है, समाजवादी को लाओ। तो दोनों देश को, दोनों तरह के सोच के जो लोग थे, इनको एक साथ भी रखना था, भारत के अंदर समेट के रखना था, और इनकी बातें भी माननी थी। अगर हम मान लो पूंजीवादी अपना लेते तो समाजवादी उखड़ जाता, कहता है क्या कर दिया भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और दंगा करेंगे, ये करेंगे, फलाना दिखाना। समाजवादी को अपना लेते तो पूंजीवाद उखड़ जाता, कहता कि भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया, हम भी नेता हैं, हम भी भारत देश के नागरिक हैं, संविधान है, फलाना ढिकाना, दिस डेट करके सौ बातें सुना देता। तो दोनों को साथ रखना था, विकास करना था भारत का। तो दो मॉडल हमारे पास था, पहला था उदारवादी और पूंजीवादी, और दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो भारत के जो उस समय के दिग्गज नेता थे, दिमाग वाले लोग थे, इकोनॉमिकल सिस्टम को सही करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चुन लिया, कहा कि न पूंजीवाद लेंगे न समाजवाद लेंगे, जाओ दोनों को मिला देते हैं, बढ़िया रहेगा। हाँ, न हिंदू का न मुसलमान का, बीच का, हिंदू भी है मुसलमान भी है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई पूंजीवादी भी नहीं लिया समाजवादी भी नहीं लिया, तो तूने लिया क्या? तो हमने लिया दोनों में से बढ़िया बढ़िया चीज, जिधर जिधर मिठाई था मिठाई को हमने समेट लिया, जो पूंजीवाद में बढ़िया चीज था वो भी ले लिया, समाजवादी में जो बढ़िया चीज था वो भी ले लिया। तो हमारा हो गया खिचड़ी वाला, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल, दोनों मिला के हमने मिश्रित बना दिया। इसलिए कहा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश है। मतलब पूंजीवादी का भी नियम है इसमें और समाजवादी का भी नियम है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई हमारी। और इसी को हमने अपने भारत देश के विकास के लिए अपनाया है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, पता है मेरे को। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल, अभी आपको मैंने बताया था ना कि पूंजीवादी मॉडल को हमने अपनाया, समाजवादी मॉडल को अपनाया, दोनों के अच्छे अच्छे जो क्रीम थे उन्हें मैंने उठा के बनाया एक नया मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे अपना लिया। अब बात है कि आखिर पूंजीवादी का नाम लिया है मैंने आपके साथ, तो पूंजीवादी है क्या? हालांकि समझाया है मैंने थोड़ा सा, अब आइए डिटेल में समझते हैं उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल ये क्या है, समझना पड़ेगा। यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देश और अमेरिका में यह मॉडल अपनाया गया है। शुरुआत से मैं बोल रहा हूं दक्षिण में जो देश है ना उसका बाप एक ही है, अमेरिका। कहते हैं ना कि अंधरा देश में कन्हा राजा, वही बात है। और सब तो हेल बेल ढेल है, ये पैसा उसका कमा लिया शुरुआत में, आधुनिक होकर हथियार उथियार रख लिया, सेना बना लिया, अब सबके ऊपर चहल लगता है, सबका बाप बना हुआ है। कौन? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, तो कहा जाता है कि पूंजीवादी या फिर आप उदारवादी मॉडल आपसे पूछे तो आप वहां पे बताइएगा कि यूरोप के अधिकतर देशों में यह मॉडल लागू है। कौन सा? पूंजीवादी वाला। पूंजीवादी का जो मॉडल है, सिद्धांत है, तरीका है, ये यूरोप के अधिकतर देशों में है। अधिकतर यूरोप के देश जो है वो पूंजीवादी चीजों को अपनाते हैं, और अमेरिका में यह मॉडल है। अमेरिका में तो है ही भाई, शुरुआत से यूएसएसआर और यूएस के बीच में तो इसी का था, पूंजीवाद और समाजवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, पूंजीवाद में उदारवादी में क्या होता है, आपसे पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन नहीं भी आए तो आपके पास रहना तो जरूरी है ना। हर सभी वस्तुओं का उत्पादन
जितना भी प्रोडक्ट बनेगा हमारे देश में, इन सभी का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, कंपनी, प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाएगा, सरकारी उकारी कंपनी नहीं है यहाँ पे, सारा काम प्राइवेट कंपनी करेगी। सारा काम कहने का मतलब है, सुइया बनाना है तो उसके लिए प्राइवेट कंपनी है, जूता बनाना है उसके लिए प्राइवेट कंपनी है, कपड़ा बनाना है उसके लिए प्राइवेट कंपनी है, कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप वालाना फलाना ढिकाना दिस डेट सब कुछ निजी कंपनी बनाएगी, प्राइवेट कंपनी बनाएगी। हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनी का एक उदाहरण बताते हैं, फलाना प्राइवेट लिमिटेड, फलाना प्राइवेट लिमिटेड, फलाना लिमिटेड, ऐसा कंपनी सबका नाम सुना है ना आपने, तो ये सब निजी कंपनियां होती है, सरकारी कंपनियां नहीं होती है। लिमिटेड में सरकारी हस्तक्षेप होता भी है, प्राइवेट में कोई नहीं होता है। तो हमारे यहाँ दोनों मॉडल है, सरकारी भी है प्राइवेट भी है, हम दोनों तरह की कंपनियां चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुई से लेके धागा तक का जो प्रोडक्ट बनेगा उदारवादी और पूंजीवादी मानने वाले देशों में, जो यूरोप के अधिकतर देशों में है और अमेरिका में तो खासकर है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें बनाने का काम कौन करेगा, प्राइवेट कंपनी करेगी, निजी क्षेत्रों द्वारा तैयार किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर। सरकार को कोई मतलब नहीं, बनाओ नहीं बनाओ, मर जाओ साले जर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए, हमारा भैया टैक्स इतना है वो दो, तुम बनाओ ना बनाओ फांसी झूल जाओ, हमें मतलब नहीं है। यही तो है उदारवादी और पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद मॉडल यही है। तो इस तरह से आपने उदारवादी और पूंजीवादी को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, समाजवादी मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट है, उदारवादी के जस्ट अगेंस्ट में है ना समाजवादी। यह मॉडल सोवियत रूस ने अपनाया था, यूएसएसआर ने अपनाया था, सोवियत संघ ने अपनाया था, रूस ने अपनाया था, कौन सा मॉडल, समाजवादी मॉडल, ध्यान से समझिए, समाजवादी मॉडल किसने अपनाया, रूस ने अपनाया। इसके अंदर सभी चीजों का उत्पादन सरकार द्वारा किया था, यहाँ पे क्या है ना, प्राइवेट चीजों का वैल्यू नहीं है, प्राइवेट कंपनियों का ज्यादा दिस डेट नहीं है, वर्चस्व में नहीं है, अमेरिका की तरह सरकार बनाएगा, सुइया बनाना है सरकारी कंपनी है इससे खरीदो, हाथी बनाना है लो सरकारी कंपनी है इससे खरीदो, कपड़ा बनाना है बनाएगा हमारा सरकारी कंपनी बनाएगा। रूस के अंदर ऐसा व्यवस्था है कि सारी चीजें सरकारी कंपनियां बनाएंगी, प्राइवेट का कोई उपाय नहीं यहाँ पे। तो इसलिए ये समाजवाद वाला जो मॉडल है किसने अपनाया, रूस ने अपनाया, और इसके अंदर सभी चीजों का उत्पादन कौन करता है, सरकार करता है, देश में निजी क्षेत्र नहीं होते हैं, प्राइवेट प्राइवेट कुछ नहीं है, तेरा पैसा है अपने रखो अपने पास, कंपनी नहीं खोलने देंगे, प्राइवेट क्या होता है भाई, सरकारी होगा, गवर्नमेंट के अंदर होगा, पूरा हस्तक्षेप करेंगे, सारा जानकारी लेंगे, हींग से लेकर हरदी तक का जानकारी दो हमारे कंपनी में क्या हो रहा है। तो इस तरह से समाजवाद मॉडल में ये सभी चीजें होती हैं। कंपनियां जितनी भी हो, जितनी बड़ी हो, छोटी हो, लंबी हो, चौड़ी हो, नाटी हो, काली हो, गोरी हो, जितनी भी कंपनियां हैं वो सब सरकार के अधीन आएगा, सरकार के अंदर काम करेगा, सरकार से बाहर कुछ नहीं है। ये है हमारे समाजवादी मॉडल। लेकिन एक पॉइंट है हमारा, दोनों वर्गों की बात मानते हुए, किसकी, पूंजीवाद उदारवादी और समाजवादी मॉडल, दोनों की बात हमने मान, क्योंकि तो हमारे यहाँ तो भैया दोनों खड़े हो गए थे ना, पूंजीवाद वाले भी खड़े हो गए, समाजवाद वाले भी खड़े हो गए, और हमें अपने भारत देश को जोड़ के रखना था, तोड़ना नहीं था, तो हमने क्या किया, दोनों की बातों की दोनों वर्गों की बातें मान ली और दोनों में से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के अपना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था चालू कर दिया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों को रखा, सरकारी कंपनियां भी है ना हमारे यहाँ, LIC क्या है, सरकारी कंपनियां हैं, और ये और है कोटक महिंद्रा वगैरह का जो है तो प्राइवेट है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है आपके सामने सरकारी और प्राइवेट का, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा है, सरकार का भी है और प्राइवेट का भी है, दोनों खुश रहो भाई, हमारे देश में तो सबको खुश रहने की आजादी है ना, हम अमेरिका थोड़ी ना है, चीन थोड़ी ना है, हम पाकिस्तान भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, हमारे यहाँ आप खुश रहिएगा, सारे लोग खुश हैं भारत देश में, सब खुश हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत है पड़ोसी देशों का, इनको भी ठीक कर देंगे कुछ दिनों में। तो ये था हमारा समाजवादी मॉडल, आपको समझ में आया होगा। आगे की स्लाइड में हम आपको बताते हैं, आगे की स्लाइड में जो कहता है वो कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा भारत देश आजाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, भारत में अपनाए जाने वाली आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति और असहमति, ये देखिए यस और नो तो हमेशा चलता ही रहता है। जब हमारा भारत देश आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद क्या हुआ कि कुछ आर्थिक व्यवस्था पे ना कुछ गुटों का यस था, कुछ गुटों का नो था, कुछ कहते थे सही है, कुछ कहते थे गलत है। तो सहमति वाला क्या था, मतलब जिसमें यस था, और नो वाला असहमति में क्या था, इनके बारे में जानेंगे। तो सहमति में देखिए
भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय दोनों होना चाहिए। शुरुआत में मैंने बताया था, सहमति में सारे पार्टी का ये था कि देखो आप भारत का विकास करो, इसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि तुम आर्थिक स्थिति बनाने के चक्कर में समाज के न्याय को छोड़ दो या फिर समाज के न्याय को बनाने के चक्कर में आर्थिक स्थिति को गोल कर दो, नहीं, दोनों चीजों को लेकर चलो। इसमें सबकी सहमति थी, सब मानते थे कि ऐसा होना चाहिए। विकास के मुद्दे को केवल व्यापारी, उद्योगपतियों एवं किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता, ये भी ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको विकास करना है तो आप हमको व्यापारी के हाथ से सौंप दो, बिजनेसमैन के हाथ से सौंप दो, किसानों के हाथ में सौंप दो। अगर इन्हीं के हाथ में सौंपना है तो आपकी काम क्या रह गई? ये सरकार क्यों बनाया हमने, क्यों चुना प्रतिनिधि, क्यों वोट दिया, क्यों 5 साल तक 6 महीना तक काउंटिंग करवाया, तब आपकी सरकार आई। तो जब यही सब हमारे किसान ही देख लेंगे, हमारे उद्योगपति ही देख लेंगे, हमारे व्यवसायी देख लेंगे, तो आपका कोई काम बनता नहीं है। नहीं, आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। तीसरे पॉइंट में कहता है कि आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। आपको हमने सरकार बनाया, आपकी महत्व है, आपका अहम भूमिका है कि आप हमारे गरीबी के उन्मूलन, मतलब गरीबों से उठाए हमें, हमें गरीबी से ऊपर लेके जाएं, हमारे घर परिवार को देखें, नौकरी दे, रोजगार दे, घर दे, खाना दे, शिक्षा दे, दवाई दे, सब कुछ दे, तभी तो हम गरीबी से उठेंगे ना। आर्थिक वितरण के काम को सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी माना चाहिए। आपको हमारे जिम्मेदारी में, गरीबों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप उनके सेवा में दीजिए, रोजगार दीजिए, दवाई दीजिए, स्कूल दीजिए, पढ़ाई दीजिए, व्यवसाय दीजिए, घर दीजिए, खेती करने के लिए जमीन दीजिए, तब हम तब ऊपर बढ़ेंगे। और ये जिम्मेदारी आपकी है, इसमें सभी वर्गों की सहमति थी, सब मानते थे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन नो में भी कुछ था, असहमति क्या था? सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति, जिस तरह से सरकार काम कर रही थी उस पर बहुत सारे लोग नाखुश थे, अप्रसन्न थे, बिगड़े हुए थे, इसमें पहला असहमति था। शुरुआत से ही चलता रहा, सरकार वादा कुछ और करता है, काम कुछ और करता है। हमको तो ये छोड़ो राजनीति को यार, यदि आर्थिक वृद्धि, दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, यदि आर्थिक वृद्धि से असमानता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्व पर असहमति। अगर हम अपने इकोनॉमिकल सिस्टम को सही कर रहे हैं, पूंजी को बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो इससे अगर हमारा सामाजिक स्थिति अगर खराब हो रहा है तो इस पे भी हमारी ना है भैया, हम नहीं मानते हैं, ठीक नहीं है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि दोनों को चीज को लेके चलो, हमारे समस्या को भी समाधान दो और सामाजिक न्याय को भी, फैक्ट्रियां भी लगाओ और गरीबों का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि तुम एक ही काम पे ध्यान दो और दूसरा को तुम पेल दो, रहने दो, मतलब भार में जाए, ऐसा नहीं है सिस्टम। तो इस पे भी असहमति थी। उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के जुड़े मुद्दों पर भी असहमति। देखिए ये जो प्राइवेटाइजेशन था, निजीकरण था, इस पे भी काफी लोगों की थी प्रॉब्लम, थी समस्याएं थी, वो नहीं मानना चाहते थे। उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र पर जुड़े कुछ मुद्दे थे जिस पे ज्यादातर लोग अपने नामे थे, मतलब वो खुश नहीं थे इन विचारों से। इस तरह से आपने देखा कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत के विकास मॉडल की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात है, तो उसमें कुछ सहमति भी थी, कुछ असहमति भी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा पॉइंट्स मैंने दिया नहीं है, 4 पॉइंट्स ही है, 3 पॉइंट्स ही है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसे पढ़ लें अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में, मैंने पहले ही बोला अब की बार 90 पार कम से कम, क्योंकि इस बार जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, क्वेश्चन आंसर, वेबसाइट तैयार हो गया lastdoubt.com, जहां से आप सभी प्रकार के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। MCQ भी मैं दे रहा हूँ, वीडियोज में भी है और वेबसाइट पे भी है, सारी चीजें उपलब्ध है। 99% मैं कर रहा हूँ, 1% आप करो तो सही, देखो कैसे पार हो जाएगा इस अब की बार। आगे की स्लाइड में देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है भाई? अभी अभी तो समझाया है ना मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये खिचड़ी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद, ध्यान से समझिएगा, समाजवाद तथा पूंजीवाद, दो मॉडल थे ना विकास के हमारे देश में, दो तरह के सोच थी ना हमारे भारत में, दो तरह के लोग थे ना हमारे भारत में, जो कहते थे नहीं पूंजीवाद, दूसरा कहते हट समाजवाद। अब भैया सरकार कंफ्यूज है, सरकार कह रही है कि क्या लाएं, पूंजीवाद लाएंगे समाज वाला उखड़ जाएगा, समाजवाद वाला लाएंगे तो पूंजीवाद वाला उखड़ जाएगा। अब दोनों को उखड़ने से बचाना है, देश को समेट के रखना है, तो क्या किया जाए? इन्होंने कहा रुक, एक मिनट रुक, दोनों मिला, दोनों को मिला, दोनों में से बढ़िया बढ़िया चीज निकाल
और अपनी एक अलग ही व्यवस्था बना जिसको हमने नाम दे दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों ही विशेषताओं को शामिल किया गया है। तब शुरुआत से समझा रहा हूं, देश में छोटे छोटे उद्योगों का विकास निजी हाथों में दे दिया गया। छोटा छोटा कंपनी जो था ना, बउआ वाला कंपनी सब, खिलौना वाला कंपनी सब, इस सब को बोला ठीक है जा प्राइवेट में बना ले, प्राइवेट हो गया तेरा कंपनी, तू प्राइवेट ले ले, इसमें तुम अपने हिसाब से काम करो, छोटा छोटा कंपनी, ध्यान रखिएगा। लेकिन बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ले ली। जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है जिसमें बड़े बड़े काम चलते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े चीजें बन रही है, उसका काम कौन ले लिया? सरकार ने कहा भैया ये हमारे हाथ में रहेगा, छोटा छोटा तेरे को दिया ना, लेमन चूस ले, चूस और खुश हो जा। लेकिन बड़े बड़े जो उद्योग थे उसको सरकार ने अपने अंदर ले लिया, तो दोनों का हो गया ना, समाजवाद भी आ गया, पूंजीवाद भी आ गया, दोनों को मिला के अच्छी अच्छी चीजें ले ली, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया। वही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझ में आ गया ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो नंबर में, एक नंबर में पूछते ही रहते हैं भाई साहब, थकते नहीं है पूछते पूछते। बॉम्बे प्लान क्या है? देखिए, बहुत सारे उद्योगपति उस समय, कब? 1944 में, आजादी से पहले, कौन सब? बड़े बड़े उद्योगपति, पैसे वाले सब, फैक्ट्री वाले सब, मालिक क्या किए? जमा हो गए कहा? बॉम्बे में, क्योंकि उस समय तो बॉम्बे था, आज ना मुंबई हो गया है, पहले बॉम्बे था। जी हाँ, आजादी के समय में ये सब मुंबई मुंबई नहीं था, अपना मन से बना दिए ये सब मुंबई बाद में आके, पहले बॉम्बे था। अमिताभ बच्चन बॉम्बे में थे, मुंबई में नहीं थे, अब जाके हाल फिलहाल में बदल दिया। चलो कोई नहीं, बहुत सारे नाम तो हमने बदला ना, बहुत सारे मुल्लों का नाम पर जो हमारा भारत का सहरसा का नाम था बदल दिया, अच्छा हुआ कि नहीं कॉमेंट करके बताइएगा, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ कॉमेंट करके बताइएगा। बॉम्बे प्लान के बारे में जानते हैं, देखिए 1944 की बात है, बहुत सारे पैसे वाले लोग सब जमा हुए कहाँ? मुंबई में। इन्होंने अपना एक विचार रखा, नियोजन रखा, प्लानिंग बनाया, क्या बनाया? एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान। इन्होंने प्लानिंग बनाया, इन्होंने कहा सिस्टम तैयार करो, पैसे वाले लोग थे तो सरकार कैसे नहीं सुनेगा, कांग्रेस का सरकार पैसे वाले का ही सुनता था, इनका कैसे नहीं सुनता, सारा पैसा वाला जमा हो गया, एक दूर होता तब ना कहता नहीं सुनेंगे तेरा बात, यहां तो सब जमा हो गया ना, सारा पैसा वाला पूंजीपति वाला सब आ गया, और कांग्रेस किसका? आरती लेके गाने लगा, क्योंकि तो हमेशा से शुरुआत से जिसके पास पैसा है उसकी सरकार है। अभी तो पैसा वाला सबको नरेंद्र मोदी से पेल रखे हैं, बराबर ईडी बुला लेता है उठा उठा, संजय राउत को भी बुला लिया, बेचारा परेशान है। चलिए छोड़िए, कहां हम राजनीति में घुसे, अब हम आपको समझाते हैं वो समझिए। पैसा वाला सब 1944 में मुंबई में जमा हुआ और कहा कि जो प्लानिंग कर रहे हो ना अर्थव्यवस्था को, इसको नियोजित करो, प्लान बनाओ, फिक्स करो कि क्या करना है आगे के पांच साल में, पांच साल में आप क्या करना चाहते हो। इन लोगों ने जो ये मुंबई में बैठ के प्लानिंग बनाया ना, एक प्रस्ताव तैयार किया ना, एक जिज्ञासा जो तैयार किया ना, इसी को हम कहते हैं बॉम्बे प्लान। ध्यान से समझिएगा, 1944 का समय, बॉम्बे का जगह है, सारे उद्योगपति और पूंजीपति जमा होकर बोले कि भैया प्लान बनाओ, नियोजन करो, अर्थव्यवस्था को नियोजित करो, इस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान कहते हैं। रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूर आएगा एग्जाम में। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था? क्या क्या अपने मन से थोड़ी ना, इतना पैसा वाला के पास इतना टाइम होता है कि जाके बैठ जाएगा मुंबई में, नहीं, प्लान था, दिमाग था, सोचे थे कुछ, क्या सोचे? इन्होंने कहा कि बॉम्बे प्लान की मंशा थी, ऐसा सोचना था, मानना था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश में क्षेत्र के बड़े बड़े कदम उठाए। ये जितना पैसा वाला सब जमा हुआ है, क्या बोला सुनिए, मुंबई में 1944 में, जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं, उसमें इनका मंशा क्या था, किस कारण से इन्होंने बॉम्बे प्लान जैसी चीजों को लाया? इन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश, मतलब बिजनेस में औद्योगिक आधुनिकरण हो जाओ, और आर्थिक निवेश, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने देश की स्थिति को सुधारने में, बड़े बड़े कदम उठाए। बड़े बड़े कदम मतलब ये नहीं कि कूद जाए, दो चार कदम एक्स्ट्रा छड़प जाए, नहीं, ऐसा नहीं था। बड़े बड़े कदम उठाने का मतलब है कि और इन्वेस्ट करें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और इन्वेस्ट करे जगहों पर, इन्वेस्ट करे औद्योगिक में, इन्वेस्ट करे तथा और जहां पे निवेश क्षेत्र है ना, वहां पे ये जो छोटे छोटे पग आप चला रहे हो, छोटे छोटे कदम चला रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े कदम उठाओ, तब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्योंकि पैसे वाले तो थे ही, इन्वेस्ट करने के लिए पास इनके पास पैसा ही था, इन्होंने कहा कि चलो खोलो, बढ़िया बढ़िया। बॉम्बे प्लान में यही सब था, मंशा था कि हम और इन्वेस्ट करेंगे, और फैक्ट्रियां लगाएंगे, और विस्तार करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ये था बॉम्बे प्लान
और बॉम्बे प्लान की उद्देश्य। इस तरह से आपने बॉम्बे प्लान के उद्देश्य के बारे में भी जान लिया। इंपोर्टेंट टॉपिक योजना आयोग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए ध्यान से हम बता दे रहे हैं, हर टॉपिक में जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। भारत के आजाद होते ही, जब भारत आजाद हुआ 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण भी दिया, उसके बाद हमारा देश पता चला कि आजाद हो गया। सारे लोग समझे कि अब हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग क्या है भाई? योजना आयोग उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री पूजनीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। समझ में आ गया ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग लाया। इसमें क्या था? अच्छा, स्थापना कब हुआ? मार्च में 1950 में हुआ। मार्च 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया, निर्माण किया गया, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। मतलब भारत सरकार ने कहा कि चलो बना दो एक योजना आयोग, इसका काम क्या है, कैसे हुआ, खत्म भी कब हो गया ये भी बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, चेयरमैन, उन्हीं के हाथ में ये योजना आयोग था। भारत अपने विकास के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए, हम अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएंगे, क्या रास्ता अपनाएंगे जिससे हमारा विकास होगा, किस तरह से हम प्लान करेंगे जिससे हमारा विकास होगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। देखिए योजना प्रणाली आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया, 1950 में बनाया गया, प्रथम चेयरमैन उन्हीं को बनाया गया। इसमें वो लोग सिर्फ ये प्लानिंग करते थे कि हमारे भारत देश का विकास कैसे होगा, कैसे हम अपने विकास की प्रणाली पे काम करेंगे, रणनीति अपनाया जाएगा, किस तरह से हम इसमें करेंगे मसला कि हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। इसमें जो भी काम होते थे वो हमारे भारत देश के लोगों के विकास के लिए होते थे। इसका नाम था योजना आयोग। ध्यान रखिएगा, इसमें याद रखने वाली बातें हैं। 1950 मार्च में बना, भारत के आजाद होने के बाद बना। इसके जो अध्यक्ष होते थे वो देश के प्रधानमंत्री होते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, क्योंकि ये उस समय के प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। आगे जाके नरेंद्र मोदी को बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो लुटिए दुबा दिए, खत्म में कर दिए, भंगे कर दिए, नीति आयोग ठीक नहीं है। ऐसे भी कांग्रेस ने कोई अच्छा काम थोड़ी ना किया है, हो सकता है किसी ने कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कुछ अच्छा काम ने किया होगा। हमको तो लगता है बेड़ा गर्क कर दिया यार, खत्म कर दिया, इस इतिहास को खत्म कर दिया, भूगोल को खत्म कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया। आपकी अपनी अपनी राय है, ये तो हमारी पर्सनल राय है। तो यहाँ पे आपने देखा योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसी का नाम आगे जाके बदला भी गया था, तो वो सब चीजें मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ये पार्ट वन हमारा आज समाप्त हो चुका है। पार्ट वन में जितने भी हमारे टॉपिक थे सारा ब्रह्मांड हमने उड़ा दिया आज। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी पॉइंट में कहीं भी छोटी सी बड़ी सी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।